mata dia. Ya, ayo. Ye. Ya. Nikal dia, hei. Nikal dia, hei. हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, पहला, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। सो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में ग्लोब टॉटर ट्रैवल विद पूरन एंड कैरन। आज का ब्लॉग होने वाला कुछ इंटरेस्टिंग। सो क्या होने वाला है उसके लिए आप बने रहें वीडियो में अंत तक। फिलहाल टाइम हो चला है 6:30 और मैं हो रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए लेट, तो मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग वॉक पे। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 7 और मैं निकल चुका हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। गांव में लोग जो है जल्दी उठ जाते हैं, लगभग 5 बजे सभी लोग उठ जाते हैं। जिन्हें खेतों में जाना होता है वो खेतों में चले जाते हैं, जिन्हें घर का कुछ काम होता है तो वो घर के कुछ कामों में लग जाते हैं। गाँव की लाइफ यही रहती है कि सुबह लोग जल्दी उठते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक का अपना ही कुछ अलग ही मज़ा है। ऊपर घने बादल, फ्रेश हवा, मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ। अभी आने वाले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा हरियाली हो जाएगी। यानी कि नीचे आप देख सकते हैं दूब है। इसमें चलने से थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और एक रिफ्रेशमेंट फील होती है। उसकी बूंदें इनमें पड़ी रहती हैं तो एकदम फ्रेश सा फील होता है। बादल लगे हुए हैं पूरे, बारिश वाले, शायद कहीं पर बारिश हो भी रही हो। अभी मैं काफ़ी सारे पहाड़ देख भी नहीं पा रहा, बादलों के पीछे छिपे हुए हैं। ऊपर एक दूनागिरी मंदिर है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। आधे घंटे की वॉक के बाद अब मैं आ चुका हूँ अपने घर में वापस। दिखाता हूँ आपको अपना घर। पीछे देखिए, ये काफ़ी पुराना घर है हमारा, शायद 1960 में बना हुआ। अब हो चुका है टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, तो उससे पहले हाथ मुंह धो लिया जाए और फिर मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट पे। यहाँ पे बना रही है मम्मी ब्रेकफास्ट। चावल बन चुके हैं, अब बन रही है सब्जी, उसके बाद बनने हैं रोटी। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी और मैं खा रहा हूँ चावल, चिकन राइस एंड पहाड़ी दाल। फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। हालांकि रोटियाँ भी बनी थी लेकिन मैं रोटियाँ नहीं पर ज़्यादा पसंद करता, मैं ज़्यादा चावल पसंद करता हूँ। बहुत ही टेस्टी है क्योंकि इसमें जो पहाड़ी मसाले डलते हैं, जैसे हमारे नेचुरल धनिया पत्ता हो गए, ऑर्गेनिक धनिया उगाते हैं हम खेतों में, सन हो गया, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो जो मज़ा हाथ से खाने का है वो चम्मच में वो स्वाद नहीं आता। थोड़ी सी दाल भी टेस्ट की जा रही, दाल काली इसलिए कि कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में बनी हुई है।
ये हमारा गुलाब का पौधा और घर के आसपास कुछ और फूल। मिली अपनी छोटी सी बच्चा से, इसका नाम कावेरी है और ये है उसकी बड़ी सिस्टर गंगा। ये बांज का जो फल होता है वो आने लग गया है। बच्चे इसका लट्टू टाइप में बना के खेलते हैं। इसके खेत काफ़ी हरे हैं क्योंकि गाय वाय चराना अभी बंद कर दिया है। आज हमें मिला हुआ स्पेशल टास्क, यहाँ बनना है हाईवे जो कि गांव को शौधार से जोड़ेगा और ये हाईवे होगा हमारे गाय बच्चियों के लिए। ऑडियो हमारे जर्नल मतलब। और यहाँ पर सरपंच साहब ने चयनित घर का सरपंच अच्छा सरपंच तो उसको उसने भी कागज में साइन नहीं किया, वो अभी तक सरपंच नहीं और वो मोरी नहीं आई। और यहाँ दोनों भाई साहब और यहाँ हमारे पूरन सिंह बड़े जोर शोर से पूर्व विधायक लगे हुए हैं, आने वाले विधायक। ये हमारा बीजाणी, इसी को हमें आज साफ करना है। ठीक भाई नहीं हो ना अभी भाई ना हूँ कल से हमारी गाय जाएंगी यहाँ, कल से गाय जाएंगी। ये हमारे हरका बोल रहे हैं कल से यहाँ गाय जाएंगी। ये हरका बोतल नहीं, हरका क्या बोतल यहाँ कैसे आई है? हरी कर बोतल है, बोतल हरी। चिलल गांव के नवयुवक मंगल दल रास्तों की सफाई करते हुए। ये रास्ता सीधे स्वर्ग को जाता है। ये तुम्हारी हो खजाना मिल गया है। यू देखो जी या आया ये या यार यू तभी मैं कहता हूँ चिलल गांव वाले बर्बाद कैसे हुए। वो देख तो वो देखो सब बोतल है थी खट करो पापा हाँ बारे तो देख भी आई। अरे सब नीचे को पलटाओ इसको। ये रास्ता एक टाइम पे आम रास्ता हुआ करता था, लोग यहाँ सुबह की सैर के लिए आया करते थे और ये यूज ना होने की वजह से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इधर तो अपनी शाम गुजरती है कुछ इस तरह वॉलीबॉल ग्राउंड में और जब तक हम खेलते हैं तब तक आप लीजिए खेल का मजा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय उत्तराखंड। Thank you.